सो हाय गाइस, दिस इज सोहित गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज टॉपिक विल बी टू फाइंड अ मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। सो व्हेन एवर द इंटरव्यू विल आस्क यू टू फाइंड अ मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट, यू विल सिंपली टेल द ब्रूट फोर्स फर्स्ट। सो वट यू विल टेल द इंटरव्यू इज दैट यू विल सिंपली टेक एन एरे लिस्ट, और आप क्या करोगे कि उस एरे लिस्ट में लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स आप इंसर्ट करवाते चले जाओगे। सो ये मैंने दो लिंक लिस्ट के एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक इवन लेंथ की है और एक ऑड लेंथ की है। अभी मैं आपको फर्स्ट का एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट में आप एरे लिस्ट में सारे एलिमेंट्स इंसर्ट जब कराओगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, आप ऐसे इंसर्ट करवाते चले जाओगे। सो देन वट यू विल ऑब्जर्व इज दैट वट यू विल डू इज टू यू विल फाइंड द साइज ऑफ द एरे लिस्ट। द साइज ऑफ द एरे लिस्ट विल बी 4, सिंपली डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 2, and then you will return the element which is present at the second index of the array list which will be 3. So आप simply 3 return करवा दोगे। और हाँ, एक और बात, आपको question में ये पहले ही mentioned होगा कि अगर even length की आपके पास linked list आएगी तो आपको कौन सा वाला element middle element assume करना है। For example, जैसे first linked list में आपकी even length है तो इसमें आपका मिडल एलिमेंट तो वैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो इसमें आपको पहले ही गिवन होगा। अब हम सेकंड लिंक लिस्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी आप अपने सारे इंसर्ट करवाते चले जाओगे, 1 2 3 4 5, अगेन द साइज ऑफ द एरे लिस्ट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 2, बेसिकली यू विल गेट 2.5, बट इन इंटीजर वैल्यू यू विल गेट 2 एज रिटर्न, बिकॉज 0.5 वाला वो इग्नोर कर देगा आपका। सो अगेन यू विल रिटर्न द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट एट द सेकेंड इंडेक्स ऑफ द एरे लिस्ट, डेट विल बी 3। सो आप 3 रिटर्न करा दोगे। तो ये तो आपकी होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब आपने ये ब्रूट फोर्स अप्रोच बता के रुक नहीं जाना। इंटरव्यूअर को ये नहीं कहना कि बस सर हो गया, बहुत बढ़िया समझाया मैंने। इंटरव्यूअर आपको पानी भी पिलाएगा और बाहर गेट तक कुछ छोड़ने भी आएगा, और उसके बाद आपको टाटा करके वापस घर भेज देगा बैक पैक करके। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने इसके बाद उसको समझाना है कि सर आई नो हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस। तो आपने क्या करना है, फिर फास्ट और स्लो पॉइंटर का कंसेप्ट यूज़ करना है। बेसिकली व्हाट इज़ फास्ट एंड स्लो पॉइंटर, आप एक स्लो पॉइंटर लोगे जो कि 1x स्पीड से चलेगा, और एक फास्ट पॉइंटर लोगे जो कि 2x स्पीड से चलेगा। बेसिकली स्टार्टिंग में स्लो और फास्ट पॉइंटर दोनों हेड पे होंगे। अभी आपको मैं फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट से एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। आई एम टेकिंग रेड कलर फॉर द स्लो वन एंड ब्लू कलर फॉर द फास्ट पॉइंटर। ओके, सो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपके दोनों हेड पॉइंटर पे ही होंगे। यहाँ पे आपका स्लो भी यहीं पे है और फास्ट भी यहीं पे है। I just explained you that slow pointer will be moving with the speed of 1x and fast pointer will be moving with the speed of 2x. So अब क्या होगा कि इसके बाद आपका स्लो पॉइंटर जो है वो यहाँ पे आएगा 1x स्पीड से, और फास्ट पॉइंटर जो है वो 2x की स्पीड से यहाँ चला जाएगा। सिमिलरली इसके बाद क्या होगा, आपका स्लो पॉइंटर जो है वो यहाँ आ जाएगा, फास्ट पॉइंटर जो है यहाँ आ जाएगा, जो कि नल होगा। अब आप क्या करोगे, आप व्हाइल लूप में पहले ही कंडीशन लगा लोगे कि यहाँ तो फास्ट का यहाँ तो जो आपका जब आपका फास्ट पॉइंटर है जो वो नल पे आ जाएगा, तो आपका स्लो पॉइंटर जहाँ पर भी होगा वही आपका जो है क्या कहते हैं उसको मिडल एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट लिंक लिस्ट में जैसे आप देख सकते हो कि आपका फास्ट पॉइंटर नल पे आ गया, तो आपका स्लो पॉइंटर 3 पे है, तो 3 ही आपका मिडल एलिमेंट है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट लिंक लिस्ट का। अब आपको मैं सेकंड लिंक लिस्ट से समझा देता हूँ। इसमें भी सिमिलरली आपके दोनों फास्ट और स्लो पॉइंटर पहले हेड पे होंगे, फर्स्ट लिंक फर्स्ट नोड पे होंगे, उसके बाद आपके ये दोनों एक एक पॉइंट स्लो पॉइंट 1x स्पीड से यहाँ आ जाएगा और फास्ट वाला यहाँ आ जाएगा। सिंपली आपका स्लो यहाँ आ जाएगा और फास्ट आपका यहाँ आ जाएगा। नाउ व्हाट यू विल डू इज, अगर आपकी आप बेसिकली व्हाइल लूप में दो कंडीशंस लगाओगे, यहाँ तो आपका फास्ट इक्वल टू नल हो जाए पॉइंटर, या फिर आपका फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जब ऑड लेंथ की होगी ना आपकी लिंक लिस्ट, तो आपका फास्ट वाला पॉइंटर कभी भी नल पे जाएगा ही नहीं, वो हमेशा नल से एक पीछे पे ही खत्म होगा। तो ये कंडीशन आपको हेल्प करेगी देखने के लिए कि जो आपकी लिंक लिस्ट है वो इवन लेंथ है या फिर ऑड लेंथ है। तो आपने ये दोनों कंडीशन लगा लेने। अब सिमिलरली इसमें भी आपका स्लो पॉइंटर जहाँ भी होगा आपने वो रिटर्न कराना है। आप देख सकते हो इसमें आपका स्लो पॉइंटर 3 पे है, और 3 ही आपका मिडल एलिमेंट है सेकेंड लिंक लिस्ट में। तो ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया समझा के। अब आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको
कोड का स्नाइपेट शेयर कर दूंगा, उससे समझा दूंगा मैं। सो एज हेयर यू कैन सी गाइस दैट स्लो पॉइंटर हैज़ बीन असाइंड विद हेड एंड फास्ट पॉइंटर हैज़ आल्सो बीन असाइंड विद हेड। सो मैंने जस्ट आपको बताया था कि जैसे फास्ट पॉइंटर ये वाली जो कंडीशन है आप नल से कंपेयर कर लोगे और फास्ट डॉट नेक्स्ट की भी नल से कंपेयर कर लोगे। तो अगर तो आपका फास्ट पॉइंटर नल पे आ रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि वो इवन लेंथ की आपकी लिंक लिस्ट है, और अगर आपका फास्ट डॉट नेक्स्ट आ रहा है तो इसका मतलब तो है वो कि आपकी वो ऑड लेंथ की है। तो सिमिलरली आप स्लो को एक एक पॉइंटर से आगे करते जा रहे हो और फास्ट पॉइंटर को 2x स्पीड से आप करते जा रहे हो, क्योंकि देखो ना आप एट ए टाइम फास्ट पॉइंटर को 2 पॉइंटर से मूव करा रहे हो, स्लो को 1 पॉइंटर से। सिमिलरली कोई भी कंडीशन से अगर आपकी वाइल लूप टर्मिनेट हो जाती है, चाहे वो इवन लेंथ की हो चाहे वो ऑड लेंथ की हो, आपका स्लो पॉइंटर जहाँ पे भी होगा आपने वो वाला सिंपली रिटर्न करवा देना है। सो इन दिस वे यू कैन कोड दिस कोडिंग प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आपको कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।